जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन मैथ 2023 वाला है उसको कर रहे हैं और उसमें भी उसका चैप्टर कर रहे हैं नाभ और धारा, जिसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपके सामने दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएगा, फिर हम अपने इस पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो यहां से देख लीजिए, 11 नंबर का जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल क्या है कि धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है, एक मोटरबोट धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की उल्टी दिशा में 10 किमी की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो शांत जल में मोटरबोट की चाल ज्ञात कीजिए। क्या था देख लीजिए, यहां से यहां तक की कोई डिस्टेंस थी, दूरी थी, ठीक है, 10 किलोमीटर इस दूरी की क्या थी, माप थी 10 किलोमीटर। तो एक बार क्या है, धारा इधर को चल रही है तो नाव इधर को चल रही है, विपरीत है, ठीक है। ठीक, धारा की चाल जो है 5 किमी है और ठीक, और उसकी चाल नहीं दे रखी, तो धारा की अगर मैं 5 किमी मान लूं, 5, ठीक है, या धारा की बिल्कुल ठीक, धारा की अगर मैं 5 मान लूं, ठीक है, तो आप बताएंगे धारा की 5 है तो एक चीज की हमको एक्स माननी पड़ेगी, किसकी, नाभ की। अब यहां से मेरी बात सुन लीजिए, आप जब ये धारा की दिशा में जाएंगी, मैंने आपसे कल भी बताया था, तब ये कितना समय ले लेंगी, अगर समय की बात करूं तो 10 जारी है कितने से, एक्स प्लस 5 से जुड़ जाएगा जब एक साइड जाएंगी, ठीक है, और क्या प्लस दूसरा समय कितना, 10 माई अपॉन एक्स माइनस 5, क्योंकि क्या है धारा के विपरीत जाएगा तो घट जाएगा, भाई धारा के विपरीत जाएगा तो घट जाएगा, यहां से क्या होगा प्लस होगा और यहां से क्या होगा इनका माइनस होगा, ठीक है, और 10-10 ये, क्योंकि 10 किलोमीटर इधर चली गई फिर 10 किलोमीटर उधर से यहां पर आई है, और टोटल समय कितना लिया है 50 मिनट, इसके भी आप घंटे बना लीजिए, तो आप कहेंगे 50/60 इसका घंटा बन चुका है, 0 से इसका 0 कट चुका है। अब यहां से देख लीजिए मेरे भाई, यहां से क्या करना है, ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन रख लीजिए, क्या ऑप्शन रख लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका ऑप्शन रखने का। तो मेरे भाई सबसे पहले हम ऑप्शन रखते हैं ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं क्या है सी ऑप्शन हमारा सही बैठेगा, 25। मेरे भाई हमने यहां से 25 ऑप्शन रख लिया, एक्स का मान 25 है तो ये कितना होगा 10 अपॉन 25 और 5 कितना, आप कहेंगे भैया 30 होगा, प्लस ये 10 तो था, ये 25 में से 5 गए तो ये कितने बचे, आप कहेंगे भैया 20 बचे, इसको ही सोल्व कर लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना मेरे भैया, आप कहेंगे भैया 60 है, 60, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अगर 60 की मैं बात कर लूं, या देख लीजिए क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं बच्चे, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो इनका एलसीएम कितना आ चुका है 6, ये इधर कौन चला जाएगा 2 प्लस ये इधर कितना आ जाएगा 3, ये जुड़कर कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा मेरे भाई, 5/6 और 5/6 ही यहाँ आपका बचा है। तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी रखा है हम लोगों ने, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमने रखा कितना था 25 रखा था और ये बिल्कुल सही रखा गया था बच्चे, आप भी ऑप्शन सी ही रखे करो पहली बार में, जब पहले ट्राई करो तो सी पे ज्यादा जल्दी ट्राई किया करो। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, बिना किसी देरी के सवाल है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तैर सकता है धारा की दिशा में, तो बच्चे धारा की दिशा में तैरेगा तो एक्स प्लस वाई तैरेगा, ठीक है, और एक घंटे में जब 15 किलोमीटर, तो आप बताएंगे कि एक घंटे में तैरी गई दूरी ही उसकी क्या होगी, चाल होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो चुकी है। आगे है, यदि धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है, 5 किमी प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तैरने में उसे कितना समय लगेगा, धारा की चाल कितनी है मेरे भाई 5, तो x प्लस 5 बराबर कितना बच्चे, आप कहेंगे यहां से 15 और x का मान निकालेंगे यहां से, तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई 10, तो धारा की चाल भी मिल गई हमको और नाभ की चाल भी मिल गई। ऐसी कंडीशन में मेरे भाई क्या करेंगे, धारा के विपरीत जाना, जब विपरीत जाएंगे तो एक दूसरे के उल्टे चलेंगे, एक दूसरे के उल्टे, तो बच्चे 10 में से 5 घटाए तो कितना रह जाएगा, आप कहेंगे 5 ही रह जाएगा। अब मेरे भाई उतनी ही दूरी कौन, x माइनस वाई चलेंगे, उतनी ही दूरी मेरे भाई कितनी दूरी थी, आप कहेंगे 15 किलोमीटर की दूरी, किस चाल से चलेंगे 5 की चाल से, तो आप कहेंगे कितना समय लगा देंगे यहां से, आप कहेंगे भैया 3 घंटे का समय ये लोग यहां से लगा देंगे मेरे भीर 3 घंटा। बच्चे 3 घंटा आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है मेरे से, क्या 3 घंटा। चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल यहां से क्या है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किमी की दूरी तय करके वापस आ जाता है, 30 किमी की दूरी तय करके वापस आ जाता है, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है। मेरे भाई नाव की चाल जो है मतलब एक्स जो है बाई की 4 गुनी, अगर ये एक्स मतलब नाव और धारा ही लिख दो बच्चे, यहां से क्या है नाव और क्या मेरे भाई, यहां से मैं लिख दूं धारा कितनी है 4 गुनी है, 4 गुनी, अगर ये एक्स है तो बच्चे ये कितनी है 4 एक्स है,
ये कितनी है, चार एक्स है मेरे भाई, तो क्या है धारा की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स का मान आप लोगों को बता देना है। तो देख लीजिए, जब धारा की दिशा में जाएगा तब भी 30 किलोमीटर जा रहे हैं और किस रेट से ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस ये समय जब धारा के विपरीत आएगा जब भी 30 जा रहा है और दोनों का अंतर हो जाएगा तो कितना आप कहेंगे 3x, और बराबर घंटे कितने ले लिए उसने, 8 घंटे। भाई 3 से बच्चे इसको काटा 10 बार, 5 से इसको काटा क्या बार, 6 बार, तो ये कितना हो गया आप कहेंगे 6/x प्लस 10/x हो गया, बराबर कितना मेरे भाई 8 हो गया। ठीक है बच्चे, तो 10 और 6 16/x बराबर कितना मेरे भीर 8 हो गया। ठीक है, x यहाँ चला जाएगा, 8 से इसको काट दो 2 बार, तो आप कहेंगे भैया x बराबर आ चुका है 2, और x क्या माना था हमने, धारा की चाल। बच्चे x क्या माना था हमने, धारा की चाल, तो धारा की ही चाल पूछी है उसने, तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए बिना किसी देरी के मेरे भाई अगले सवाल के पास चलते हैं हम लोग। सवाल है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6 किमी प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक धारा, अधिक समय धारा के प्रतिकूल जाने में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत गजब, बहुत बढ़िया भाई। देखो जब दोनों ये एक साथ जाएंगे, एक्स प्लस वाई जाएंगे, ठीक है, और जब ये दोनों उल्टे जाएंगे मतलब अलग अलग जाएंगे तो क्या जाएंगे, एक्स माइनस वाई जाएंगे। तो x प्लस वाई कितनी है, 6 और 2 कितना मेरे वीर, अगर मैं बात करूं आपसे तो आप कहेंगे भैया कि 6 और 2 ये तो हो गया आपका 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 में से 2 घटाए तो कितना बचा बच्चे, 4 बचा। काट लीजिए या मत काटिए, चाहे काट लीजिए, चलिए काट लिया है मैंने, काट दिया, तो ये कितना आप कहेंगे भैया 2, और ये कितना मेरे वीर, आप कहेंगे भैया 1, या मत काटिए, ठीक है, या बच्चे देख लीजिए क्या है, मत काटिए, तब आप बताएंगे चाल है तो समय क्या होगा इसको उल्टा, अगर यहाँ 4 घंटे लगेंगे तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे। बच्चे कितने घंटे कम, आप कहेंगे 4, और सवाल में कितने घंटे कम, 4, कितने गुना, 1 गुना, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो दूरी बुझिए, दूरी बराबर क्या होती है, 4 गुना समय। बच्चे इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32 जो आ चुकी है आपकी दूरी, आ चुकी है मेरे भाई 8 चौक 32 किस ऑप्शन में है आपके, तो आप कहेंगे भैया 8 चौक 32 किलोमीटर किस में, ऑप्शन नंबर डी में। बच्चे 32 किलोमीटर किस में है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि शांत जल में नाव की चाल 5 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है, यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, आपको दूरी बता देनी है, वो वाली दूरी क्या होगी। तो देख लीजिए मेरे भाई, हमने मान लिया दूरी x थी, दूरी कितनी थी बच्चे x, जब ये दोनों एक साथ जाएंगे तो 5 और 3 8 चल जाएंगे, ठीक है, प्लस जब ये x दूरी को दोनों अलग अलग जाएंगे तो कितनी दूरी मतलब चल जाएंगे, 2 चल जाएंगे, क्योंकि एक बार जोड़ दीजिए दोनों की चाल 5 और 3 8, और एक बार घटा दीजिए 5 में से 3 गए तो कितना बचा मेरे भाई, 2 बचा, और बराबर समय कितना ले रहे हैं बच्चे, 3 घंटे का समय, कितने का, 3 घंटे का समय ले रहे हैं। यहां से आप लोग x का मान निकालेंगे तो 8 LCM ले लिया मेरे भाई, और यहां से आप लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा x प्लस 4x बराबर कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 3, ये 3 8 24 हो जाएगा, यहाँ से क्या है आप कहेंगे 5x बराबर कितना हो चुका है बच्चे, 24 हो चुका है, 24, ठीक है, 24 हो चुका है, तो x बराबर कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे x बराबर 24/5 होगा बच्चे, कितना 5 बराबर, यहाँ से काट दीजिए 5 चौक 20, 4 बचा, और 5 8 40 कितना आ चुका है, 4.8 किलोमीटर मेरे भाई, 4.8 किलोमीटर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल है कि एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है, और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी पर वापस आ जाता है, यदि ए बी के बीच की दूरी 100 मीटर है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। बहुत गजब बच्चे, बिंदु थे कोई, कौन कौन, ए और बी मेरे भाई, मान लीजिए हमने ये बिंदु थे ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है, उसने कही है 100 मीटर, 100 मीटर। आगे देख लीजिए क्या है, बिंदु ए से धारा के प्रतिकूल, मान लीजिए धारा इधर को चली तो वो इधर को चला है, प्रतिकूल चला है मतलब इधर को चला है किसी बिंदु तक, मान लीजिए यहाँ कौन था, बिंदु पी तक था, बिंदु पी तक था, तो मेरे भाई 5 मिनट वो इधर चला है, 5 मिनट यहाँ इधर, यहाँ से और यहाँ तक, और अगली बार में यहाँ से यहाँ तक चला गया, यहाँ भी कितने मिनट लिए उसने, 5 ही मिनट लिए हैं, मगर अंतर इस बात का कि एक बार ऊपर वाला जो है ये धारा की दिशा में है, और ये क्या है, धारा के विपरीत है बच्चे, ये धारा के विपरीत है। अब मैं आपसे कहूँ के ये दूरी, ठीक है मेरे भाई, ये दूरी जो है हमारी, ये हमें मिल जाएगी, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है मेरे भाई, तो मैं कहूँ ए और पी के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी बच्चे मैं ये निकलवाऊँ आपसे, तो आप कहेंगे कि ये कितना चला है, 5 मिनट चला है, और कहाँ चला है,
ये मेरे भाई तो 5 मिनट चला है, मगर इसको घंटा बना लीजिए तो 5/60 चला है। और किस चाल से चला है? एक्स माइनस वाई की चाल से चला है। बच्चे मैं यहां से यहां तक की दूरी तो हम लोगों को पता, सो अगर मैं इस पूरी में से ठीक है मेरे भाई। चलिए तो अब ये पूरी देख लीजिए क्या है। आप कहेंगे पी और बी की दूरी, पी और बी की डिस्टेंस, तो भाई ये 5 चला है। ये भी कितने मिनट में चला है? 5 मिनट में। तो 5/60 और मेरे भाई ये क्या चला है? x प्लस वाई चला है। बच्चे क्या है? x प्लस वाई चला है। इस पूरी में से ये वाली घटा दूं तो ये 100 मीटर आ जाएंगे मेरे भाई। तो घटा दीजिए यहां से, आप लोग बताएंगे तो 5/6 ये क्या ले लिया हमने? एलसीएम ले लिया। और इस वाले में से ये वाला घटा दीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या होगा मेरे भाई? ये तो x प्लस वाई होगा, माइनस करेंगे तो माइनस, यहां से कितना हो जाएगा x, और माइनस माइनस प्लस, यहां से कितना बच्चे वाई, और बराबर ये कितना है? आप कहेंगे 100 मीटर था, इसका भी किलोमीटर बना लेंगे हम लोग, कितना जाएगा 1000। ये दो जीरो से, दोनों जीरो खत्म, ठीक है मेरे भाई। अब ये एक जीरो से, ये एक जीरो खत्म, ये x से आपका x कट गया, तो इधर कौन बचा? आप कहेंगे भैया 2y बराबर। इधर कौन बचा? आप कहेंगे 6/ कितना मेरे भाई? 5 बचा। कितना? 6/5 बचा बच्चे, ठीक है। अब देख लीजिए 2 इधर आकर गुणा कर लेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6/10 हो जाएगा, 6/10। और y बराबर मेरे भाई अगर मैं बूझूं आपसे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख लीजिए x जो मानते हैं हम नाभ मानते हैं, और y क्या मानते हैं हम? धारा मानते हैं। और उसने बूझी क्या है? धारा की चाल बच्चे। तो धारा की चाल यहां से कितनी आ जाएगी? 0.6 किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 0.6। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। सवाल है, एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, तो स्थिर जल में नौका की और उस धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है। एक बार x माइनस वाई से गए हैं बच्चे, और एक बार x प्लस वाई से गए हैं, ठीक है। प्रतिकूल मतलब उल्टा भाई, 2 गुना समय लगा है। अगर यहाँ 1 घंटे का समय लग रहा था बच्चे, तो यहाँ 2 घंटे का समय लग रहा था, 2 का, ठीक है मेरे भाई। तो चालें क्या होंगी? चाल उल्टी हो जाएंगी। यहाँ चाल 1 थी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी बच्चे? 2 हो जाएगी चाल। चाल कितनी हो जाएगी? 2। अब देख लीजिए आपके चालों में x माइनस वाई का मान भी पता है, x प्लस वाई का मान भी पता है, तो मेरे भाई बड़ी चाल निकाल ली हो, x निकाल ली हो, तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए। आप कहेंगे कितना? 3/2। और छोटी चाल निकाल ली हो, दोनों को घटा कर आधा कर दीजिए। भाई इनका अनुपात पूछा है ना, अनुपात किसका? नाब की चाल का धारा से, ठीक है बच्चे। तो x का मान निकालना हो जोड़ का आधा, तो आप कहेंगे 3/2। और y का मान निकालना हो घटा का आधा, तो आप कहेंगे 1/2। बटे 2 से बटे 2 कट गया बच्चे। आंसर कितना आ चुका है आपका? 3:1। कितना आंसर आ चुका है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 3:1 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। 3:1 आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, 3:1। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से क्या है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल नाभ से 12 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करता है। 12 किमी की प्रतिकूल की बात चल रही, तो मेरे भाई कितना? x माइनस वाई बच्चे, और ये कितनी है? 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा, तो यहां से कितना? 5 × 10 और 5 × 24 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। आगे है जिसमें धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है, ठीक है मेरे भाई। धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा, ये वाई की चाल दे रखी है उसने कितनी? 4 km/h, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये मेरे भाई दोनों की घटकाई है किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे। 4 यहां रख दीजिए तो x माइनस 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा बच्चे, तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2.4 प्लस 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6.4 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में बच्चे। तब उसने बोला क्या है? उसने बोला है तो अनुप्रवाह नाव से 15 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा? अनुप्रवाह बच्चे दोनों को जोड़ के, ठीक है, 15 किलोमीटर की दूरी है और इनकी चाल का योग करेंगे तो 6 × 4 = 10.4, मेरे भाई कितना? 10.4 हो जाएगा बच्चे। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया। अब देखो यहां से इसको हम काट लेते हैं, पहला काट लो किससे? 2 से काटा तो आप कहेंगे 75 × 150 बच्चे, इसको 2 से काटा तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 52 × 52 ये। अब इसको काटा मेरे भाई 52 × 52 बच्चे, 1 घंटा तो पूरा हो चुका है, 1 घंटा तो आपका पूरा हो चुका है। आगे क्या बचा? आप कहेंगे 52 × 52 = 23 बच्चे मेरे भाई, कितना? 23 बटे कितना बच्चे? आप कहेंगे भैया 52, 23/52, ठीक है, 23/52 यहां से आ चुका है बच्चे। अभी हम लोग इसको मिनट और बना ले 60 से, तो 13 × 4 = 52 और 4 से काटा 15 बार बच्चे, तो ये कितना हो गया? 15 × 3 = 45 के का 5 हासिल लगे, 4
15 दूनी 30, 30 और 4 34, बटे कितना मेरे भाई 13। बचे 13 से काटेंगे तो 13 ही गन 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 मेरे भाई 8 बचा हुई है 85, 13 छंग 78, 13 छंग 78, बचे कितने यहाँ से, तो आप कहेंगे 7/13, ये मिनट है, ये क्या है मेरे भाई मिनट। तो टोटल समय कितना आएगा बच्चे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 घंटा 26 सही 7/13 मिनट। ये देख लीजिए बच्चे किसी ऑप्शन में है क्या, ये देख लीजिए आप किसी ऑप्शन में है क्या, तो आप कहेंगे 1 घंटा 26 मिनट 7 सही 13, ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही है मेरे भाई। कौन सा है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल यहां से क्या है, सवाल है कि एक मोटरबोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती, भाई 3 घंटे में, और प्रतिकूल प्रवाह में 7.5 घंटे में तय करती है। यदि पानी की चाल 1.5 किमी प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल क्या होगी। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत अच्छे। चलिए भाई अगर मैं दूरी निकाल लूं यहां से, ठीक, चलिए बच्चे मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। भाई चाल क्या होगी इनकी, एक्स प्लस वाई होगी, एक साइड, एक साइड क्या होगी बच्चे, एक्स प्लस वाई, और 3 घंटे ले रहे हैं तो ये होगी, ठीक है, ये होगी सही। एक बार भाई मैं दूसरी तरफ से डिस्टेंस निकाल रहा हूं, दूसरी तरफ से, तो आप बताएंगे दूसरी तरफ से आएगी एक्स माइनस वाई, और दोनों का समय कितना ले रहे हैं यहां से, 7/2 घंटे, 7/2 घंटे, ठीक है बच्चे। ये अब देख लीजिए क्या है, ये दोनों को मैं एक जगह रख दूं, दोनों डिस्टेंसों को बच्चे, दोनों डिस्टेंसों को मैं अगर एक जगह रखता हूं मेरे भाई, ठीक है, बराबर रखता हूं, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 3x + 3y बराबर मेरे भाई, यहां से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहां से हो जाएगा मेरे भाई, या जी यहां से हो जाएगा, ये जो होगा आपका, ठीक भाई, ये देख लीजिए क्या रखूंगा मैं, 3x + y रख दिया बच्चे, बराबर ये क्या रखूंगा मैं, 7/2x - y रखूंगा बच्चे, 2 इधर गुणा कर लेगा तो 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6x + 6y हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7x - 7y हो जाएगा बच्चे। 7x इधर आएगा तो x बराबर कितना आएगा आपका, 7 और 6 13y आ जाएगा, 13y आ जाएगा मेरे भाई, 13y। यहां से एक चीज और आप लोगों को देखनी है, मैं x जो मानता हूँ नाभ को मानता हूँ मेरे भाई, x किसको मानता हूँ मैं, अभी आपने हर सवाल में देखा होगा नाभ को, और y किसको मानता हूँ मैं, धारा को, ठीक है बच्चे, आप हर सवाल में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर धारा की चाल तो ऑलरेडी दे रखी है मेरे भाई, कितना 1.5, तो बस रख दीजिए। एक्स की चाल पूछी है भाई, एक्स बराबर कितना 13 × 1.5 बच्चे, कितना 13 × 1.5 कर लीजिए आप, यहाँ से करेंगे 13×65 के का 5, हासिल लगे कितने 6, 13×13 = 6, 19 भाई, पॉइंट एक के बाद पॉइंट यहाँ लगा दिया, किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे, यहाँ से आंसर कितना आ चुका है, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है देख लीजिए, कि एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर, धारा के विपरीत बच्चे, क्या धारा के विपरीत मतलब एक्स माइनस वाई, ठीक है बच्चे, कितना 75 किलोमीटर 3 घंटे में मेरे भाई, तो यहां से कितना आ चुका है, आप कहेंगे 25, यहां से कितना आ चुका है 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है, और धारा के अनुकूल तो x प्लस वाई बच्चे कितना, आप कहेंगे 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में, कितना 1.5 में मेरे भाई, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 15 × 60, यहां से कितनी आ चुकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ चुकी है, यहां से चाल इतनी आ गई, यहां से चाल कितनी आ गई मेरे भाई, इतनी आ गई x माइनस वाई, x प्लस वाई का मान आपके पास है। तो बच्चे पूछा क्या है, तो शांत जल में नाभ की चाल, मैंने बताया था जब भी ये कंडीशन बन जाए और नाभ की चाल पूछा तो जोड़ का आधा कर दो या बड़े वाले की चाल, तो 25 और ये कितना हो गया 40, आप कहेंगे भैया 65/2 आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चे 32.5 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है मेरे भाई। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या हो चुका, आप कहेंगे 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चे देख लीजिए आज मैं आपके सामने इस पार्ट में इतने ही सवाल लेकर के उपस्थित हुआ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।